हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं वीके प्रैक्टिकल्स। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का टॉपिक है गाइस हम लोग का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल्स, वाइवा कैसे होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वाइवा वाइवा को अच्छे से तैयारी करने के लिए गाइस क्या क्या करना पड़ेगा, वो सभी मैं बताऊँगा। तो गाइस आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट, इसमें मैं 5 पॉइंट बताऊँगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा अपने वाइवा में तैयारी करने के लिए। तो गाइस पहला पॉइंट देखिए आप लोग, मैंने मतलब अपने से लिखा है गाइज, और अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। मैं भी गाइज बीए स्टूडेंट हूँ, बीए का स्टूडेंट हूँ ज्योग्राफी ऑनर्स का, और मैंने भी बहुत प्रैक्टिकल्स और ये सब दिए हुए गाइज। तो आज का टॉपिक है वाइवा प्रैक्टिकल्स, और पहला पॉइंट देखिए गाइज आप लोग, जस्ट चिल और डोंट बी पैनिक। तो गाइज हम लोग क्या होता है पता है, स्टूडेंट वाइवा वाइवा कर करके ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है गाइज, और इस चक्कर में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता। तो पहले तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, वाइवा गाइज जितना आप लोग सोचते हैं उतना हार्ड होता नहीं है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर ये दूसरा पॉइंट आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप लोगों का वाइवा गाइज 100% जाएगा गाइज, अच्छा जाएगा। तो देखिए गाइज दूसरा पॉइंट है हम लोग का, दूसरा पॉइंट है गाइज कि सबसे पहले गाइज आप लोगों को कवर करना होगा वैसे टॉपिक्स जो आप लोगों के कॉलेज में करवा दिया गया है गाइज। आप लोगों के कॉलेज में जो जो टॉपिक करवाया गया है पहले उसको कवर कीजिए, कॉलेज हो या स्कूल हो। जैसे पहले सिलेबस होता है गाइज प्रैक्टिकल का, और उसमें से भी गाइज इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा जो कॉलेज में कवर करवा दिया गया है। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोग कॉलेज में जो जो पढ़ाई हो चुका है प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज थर्ड पॉइंट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल टॉपिक्स विच इज गिवन इन योर सिलेबस। गाइज जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रैक्टिकल के सिलेबस में, उसका गाइज बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। जैसे सिलेबस में अगर दिया हुआ सिंपल स्केल क्या है, तो सिंपल स्केल के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। कंपैरेटिव स्केल क्या है, डायगोनल स्केल क्या है, ये सब गाइज बेसिक नॉलेज है। इसके अलावा गाइज जो कंटूर लाइन होता है, टोपोशीट क्या है, और भी बहुत कुछ है गाइज, उसका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए सभी टॉपिक्स का। और फोर्थ नंबर में गाइज मैं आप लोगों को पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। पैटर्न मतलब कैसे होता है, मतलब वाइवा का जो पैटर्न है वो पूछने का तरीका कैसे होता है, एग्जामिनी जो एग्जामिनर आते हैं बाहर से वो कैसे लेते हैं। तो गाइज ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने भी वाइवा दिया हुआ है गाइज, और बहुत ही अच्छा गया मेरा। तो पैटर्न गाइज ऐसा होता है, जैसे बाहर से एग्जामिनी अपने कॉलेज में आते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो गाइज वो पहले हमारे क्लास कॉलेज में आते हैं, हमारे प्रोफेसर या टीचर से बात करते हैं, और उनसे पहले ये पूछते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर करवाया है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड पॉइंट हम लोग का है वो यही है, मतलब कॉलेज में जो जो टॉपिक कवर करवा दिया गया होता है उसी से रिलेटेड गाइज जो एक्सटर्नल एग्जामिनी आते हैं वो भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं गाइज। तो वो फिर एग्जामिनी आते हैं हमारे क्लासरूम में गाइज, और मैं अपना एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ गाइज। तो हमारे क्लास में आए एग्जामिनी और बोले कि जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आएगा अपना हाथ उठाएगा। तो एक क्वेश्चन वो पूछेंगे गाइज और बोलेंगे हाथ खड़ा करना, तो जो पहले हाथ खड़ा करता है गाइज वो आंसर अगर देगा तो उसके रोल नंबर में टिक लगा दिया जाता है, और उसको फिर नंबर मिलता है गाइज वाइवा का। तो ये होता है गाइज, बहुत ही ईजी है गाइज वाइवा, तो हम लोग ज़्यादा ही टेंशन ले लेते हैं। तो इस टाइप का होता है गाइज पैटर्न पूछने का, और भी दूसरे कॉलेजेस में दूसरा होगा गाइज, ये मेरे कॉलेज का बात कर रहा था। तो ये हो गया पैटर्न गाइज, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वाइवा में। और गाइज लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ एक दो, जो बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है गाइज, जो अधिकतर जो एग्जामिनी आते हैं वो पूछते हैं यही सब क्वेश्चन गाइज। तो जैसे इसमें से बेसिक क्वेश्चन हो गया गाइज, स्केल क्या होता है, फिर स्केल में भी स्केल्स का टाइप जो होता है, सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, ये सब हो गया गाइज। इसके अलावा कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर लाइन मतलब समुच्च रेखा जो होता है। फिर गाइज जो प्रैक्टिकल्स में जो आप लोगों का टॉपिक होगा, जैसे हिदर ग्राफ, ये सब क्या होता है, तो ये सब प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड गाइज कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होता है, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज। आप लोग ये 5 पॉइंट अगर फॉलो कर लिए तो आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा जाएगा गाइज। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में गाइज प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही काम की वीडियो होते हैं गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।